ठीक है ना। और कार हमारी तरफ से आपके 2 लाख रुपए तक का कवर भी रहता है, जब तक आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो जाता ये तब तक के लिए। ओके ओके। Best of me now, best of me now, best of me. ओके सो अपने पीछे अपनी जीनोसो और उसके साथ जो पाजी खड़े हैं जो फोटोज ले रहे हैं वो है कार्स 24 मोटो से। सो स्कूटी भी इधर खड़ी है और बाइक भी इधर खड़ी है। स्कूटी इसलिए खड़ी है क्योंकि स्कूटी की भी आरसी एरी और सोच रहे हैंड वैंड उसको भी निकाल दूँ, फिर नई स्कूटी अभी के अभी ले लें अपन। अगर मेरे को अच्छी प्राइस मिलती है इसकी तो अपन इसको कर देंगे। क्या करेंगे? कर देंगे। तो मैंने अभी भाई से पूछा आपने जीनोसो क्यों नहीं चलाई, कहते मैंने नहीं चलानी। भैया ने स्कूटी प्रॉपर चला के दी है। okay, so भाई आपका नाम? गुरिंदर। गुरिंदर, सो गुरिंदर आए थे बाइक का इंस्पेक्शन और स्कूटी का इंस्पेक्शन करने और सब जा चुकी है बिल्डिंग। अब मेरे को जो बताएंगे उस हिसाब से प्रोसीड करूँगा। अगर मेरे को स्कूटी के अच्छे प्राइस, देखो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जीनोसो वही बात है, मतलब वाले कि जिनको पता है असली प्राइस वो देखेंगे। ओके सो थैंक यू सो मच पाजी फॉर कमिंग, आई होप अच्छा सीन हो। अगर मेरे को स्कूटी का अच्छा प्राइस मिलता है तो मैं स्कूटी तो हैंड टू हैंड भेज दूंगा, बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर न्यू स्कूटी। बिकॉज यार स्कूटी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है अभी मेरे बाइक से ज़्यादा। और टूर के लिए गाड़ी खड़ी है, प्लेन खड़ा है अपना, जेट एयरवेज खड़ी है, क्या दिक्कत है अपनी तो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, 2015 मॉडल था टीवीएस जुपिटर। हाँ हाँ, तो आपकी गाड़ी का सारा ट्रांसफर से लेके सारा पेमेंट सब कार्स 24 करा के देते हैं। आप गाड़ी जिस दिन हमें सर हैंड ओवर कर दोगे सेम डे में सर हम आपको सारा पेमेंट दे देते हैं। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। और कार हमारी तरफ से आपके 2 लाख रुपए तक का कवर भी रहता है, जब तक आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक के लिए। ओके। प्राइस रहेगा सर आपका 19,000 इन अकाउंट आपके। ओके 19,000। यस। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, आपकी ये जो गाड़ी थी फाइनेंस पे थी? हाँ पहले थी, उसकी NOC शायद से मेरे पास अभी नहीं होंगी। सर आपको NOC तो अरेंज करनी पड़ेगी। अच्छा ओके जी, क्योंकि सर अगर आप NOC हमको नहीं देंगे हाँ। तो ये गाड़ी आपके नाम से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ओके। ओके सो मेरे पास स्कूटी का कंफर्मेशन आ गया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा, देखो सिंपल सी बात है, स्कूटी को लेके मैं बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, बाइक को लेके मैं थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि कम ही आएगा। हाँ उसका प्राइस आया 4.5 आसपास, उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा क्योंकि बहुत लॉस हो जाएगा मेरा। तो मेरे को यहाँ पे प्राइस स्कूटी का काफ़ी अच्छा मिला। तो अगर आपके पास ऐसी है लाइट व्हीकल लाइक स्कूटी और 1 लाख से अंडर है या फिर मान के चलो 2 लाख से भी अंडर है तो आप कार्स 24 मोटो पे बेच सकते हो। स्कूटी चली गई, अब नई स्कूटी की जल्दी वीडियो आ जाएगी क्योंकि स्कूटी मेरे को पहले लेनी है। मैं बाइक नहीं लूँगा, किसी भी लोन में लेनी है। तो आप लोग बताओ कौन सी स्कूटी सही है, आप लोग ज़्यादा जानते हो, मेरे पास तो जुपिटर है। बताओ, मेरा प्लान है एंटॉक एक्सेस में से एक लेना, बताओ। ओके सो मैं अभी जिम करके आया हूँ। अगर स्कूटी की बात करें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक करवाने में ही पैसे लग जाते हैं, ठीक है। मेनली जो सीन था ये, सो मेजर पॉइंट ये थे कि ये निकल रही है, पेंट ख़राब है और ये कुत्तों ने गद्दी फाड़ रखी है, ये वाला हाल है। और अगर पीछे से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शा है स्कूटी की, ये देखो। तो इतनी चीज़ों के बाद भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइसिंग मिल गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यार 19,000। लेकिन अच्छा वो मैंने सही टाइम पे इंजन ऑयल वगैरह डलवा लिया, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी जाके देखो, उसमें जो है मैंने सब सही करवा लिया था अंदर से। तो वो कह रहे थे आपकी स्कूटी अंदर से नहीं है, थोड़ी बॉडी का वर्क है बस। मैंने कहा हाँ बस वही बच है, बाकी यार देखो 6 साल पुरानी स्कूटी, ये कंडीशन और 19,000 रुपये, और क्या चाहिए, व्हाट यू वांट मोर।
आई नो यू गाइस वंडरिंग कि राघव क्या कर रहा है, अभी स्कूटी बेच दी है, अब बाइक बेचने जा रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? देखो मेरे दिमाग में पता नहीं, मेरे को खुद नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बट मेरे को स्कूटी यार काफ़ी टाइम से निकालनी थी, सोच रहा था नहीं ले लो क्योंकि सबसे ज़्यादा रनिंग मेरी स्कूटी की होती है, क्योंकि यहाँ के लोकल के काम और कभी कभी बाहर जाना पड़ता तब भी मैं स्कूटी यूज़ करता हूँ, तो मेरे को लगा कि हाँ इट्स अ राइट टाइम टू चेंज इट, और अच्छा प्राइस मिल रहा था तो या गो फॉर इट राघव। तो सिंपल सी बात इतनी है, बाकी आज उसकी NOC लेने जाएंगे, वो गुम गई है, 6 साल पुरानी स्कूटी है, सारे डॉक्यूमेंट रखना मुश्किल है, तो NOC लेके जाएंगे, मम्मी के साथ जाएंगे, हो सके तो करोड़ बाग जाना है आज बाइक लेके टाइम मिले तो, बाकी बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कमेंट कर देना कुछ भी अगर जैसा जो उस पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो में, और लाइक करे बगैर मत जाना, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, आप बड़े प्यारे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं वो कह रहा था, मैं ये कह रहा था, पीस आउट।